रोमा इतना सारा सामान तू लेके आ रही है तो तेरे को कौन लेके आ रहा है? मैं खुद अपने आप को लेके आती हूँ। इतना सामान कैसे उठा लेगी तू? यार देखो आप हो, ईशान है, दोनों हो ना मेरे साथ सामान उठाने के लिए, चलो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 3:30 और हम जा रहे हैं जयपुर। Yes, and we are very excited about it because हम दोनों पहली बार शादी अटेंड कर रहे हैं। हाँ, मेरी एक्चुअली एक्साइटमेंट कम है बिकॉज मैं सिर्फ 2 ही घंटे सोया हूँ, ये सोई नहीं है रात को। देख लो कितना स्ट्रगल हो रहा है, लड़कियों को कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। नन्नी सी जान बेचारी 3-3 bags लेके जा रही है, इसको शर्म भी नहीं आती कि खुद पतली दुबली है तो इतने बैग्स अगर ले नहीं, अगर संभाल नहीं सकते तो लेके क्यों जाते हो? लेकिन दम बहुत है, समझे? देख, किसी लड़की से कम नहीं है। देख रहे हैं मेनू। So, हम लोग एयरपोर्ट पे हैं अभी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुबह सुबह इतना रश है। रश है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो जल्दी आना चाहिए था ना, 2 घंटे सोने के लिए किसने बोला था? सिंपल जा, छोटा जा बच्चे वाला बैग है, कभी पकड़ लो ना प्लीज, मैं इतना भारी बैग नहीं पकड़ सकती। मेरे दोस्त नहीं हो तो दोस्त बैग चक्कर में आया मैं लड़कियों की। हमारा पोपट हो गया, हम लाउंज में घुसे थे और हमें घुसने नहीं दिया लाउंज में। हमने बोला कि हम वेरीफाइड एक्टर्स हैं, तीनों के तीनों का ब्लू टिक लगा हुआ है। कहते सर नो, आपका कार्ड नहीं चल रहा है और हमारी लस्सी होगी। प्लीज गो विद ऑन फक केयर। तो उन्होंने रूमा को भी नहीं बचाना। रूमा बोलती आई एम 1.5 million, कहती मैम यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन गो आउट। तो हमें वापस जाना पड़ रहा है। नहीं, महीनों के बाद मैं मिली हूँ अपने फेवरेट दोस्त से। आप लोगों को बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें देखने को मिलने वाली है। और इतने महीने के बाद हम लोग मिले हैं, ऑटो हुए, स्कूटर हुए, मोटरसाइकिल हुए, वीडियो बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें देखने को मिलने वाली है। चले सानू छड़ के चले गए ना रूमा, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तूने कॉफी की लाइन में लगाया मुझे, आधा घंटा वेट की मैंने। जे फ्लाइट मेरी छुटगी ना, इसे बोलते हैं अपनी गलती का क्या क्या होगी गलती तो चल है किसी और पे थोपना, चल है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये लोग बच गए हैं, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाती इनकी कॉफी के चक्कर में, सीरियसली। और थैंक गॉड मुझे कॉल आ गया, हम कॉफी पीते रह जाते। हाँ ईशान, और पीनी स्ट्रॉन्ग कॉफी। यार हमारे को पैसेंजर जो थे बेचारे कावल जी, वो तो हमें छोड़ के पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे हैं। और हम आगे, हम सबसे आगे। सो लेट्स गो, डोंट वरी, वी'ल कैच हिम एट द जयपुर एयरपोर्ट। ओह गॉड, एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं अपना बैग फ्लाइट में भूल गई और मेरा फ्लाइट में से बैग बाहर आ रहा है। जो भी समझ, मैंने आपको अभी आइडिया दिया था कि यहाँ पे किसी की और शादी है ना, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से वहाँ तक उनके साथ चलते हैं, वहाँ से ओला कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको आइडिया अच्छा लगा नहीं, मेरा किसी ने ट्रस्ट दिखाया नहीं। आइडिया है रूमा, यू डिडंट लाइक माय आइडिया। आई गेव देम द आइडिया। इतने कोई बंदा बोर्ड लगे खड़ा सेगा कि फलाना फलाने की शादी है ना, तो मैं क्या हम यहाँ से उनके साथ चलते हैं तो ओला ऊपर कर लेंगे, पर किसी ने मेरी हाँ जहाँ पर ही नहीं। भाई साहब मुझे ठंड इतनी भी पसंद नहीं है, और मतलब जनवरी में मना रही है और अब फिर से यहाँ पर आ गए जयपुर में, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ठंड। ठंड का एक फायदा पता है क्या आपको? आपको गर्मी नहीं लगती। ये लाइन सब उनपे अप्लाई होती है जो बैचलर नहीं है अब, समझे? देखो बैचलर का कोई लेना देना ही नहीं होता। क्यों नहीं आपको ठंड लगती? नहीं लगती, नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही। आपको बहुत गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है आपको? दैट आई रियली डोंट नो, यू कैन टेल दैट आउट टू द ऑडियंस। मुझे ठंड नहीं लगती। कुकड़ी कुकड़ 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 कर रही है, ठंड नहीं लगती है ना मैंने। यार यहाँ पे बर्फ है ना, अगर बर्फ होती तो ईशान पर दिखाता कि ठंड लगती नहीं लगती। हाँ ईशान, लो जी अब आपको दिखाते हैं जादू। जहाज में हमारी लो जी अब आपको दिखाते हैं जादू। जहाज में हमारे साथ आई थी एक छमिया, और गाड़ी में बैठ के छमिया होगी दो।
कुड़ी नु छमिया कहंदे आ मिठे प्यार प्यार नाल कुड़ी नु छमिया ही कहंदे मतलब कुड़ी कह लो है ना मुटियार कह लो सोहनी सनखी मुटियार कह लो पटोला कह लो बंब कह लो है चीज तो एक ही है सारी है ना ते ए, ए मतलब ए एक्चुअली जेडी फ्लाइटा है फ्लाइटा दा टकरार कुछ ऐसा होया कि दो फ्लाइटा अलग अलग जाके टकर के मिलिया जयपुर दे विच ते सो आवर डेस्टिनेशन इज वन सो वी विल हैव अ गाला टाइम एट लोहागढ़ रिजॉर्ट लोहागढ़ मासी के घर चाय पकौड़े खान और आलू ब्रेड हाँ ब्रेड पकौड़े च आलू लभण की आलू मासी ने ठीक ठाक पाए के नहीं पाए मासी के घर पहुंच चुके हम मासी के घर आ गए हैं मासी घर मासी नहीं दिख रही हमें ओ मासी जी की मासी जी गुड मॉर्निंग क्या हाल है आपका मासी कहती सानू बिना दसे ही आगे किन्नी गलत गल है पर सानू खुशी बड़ी है चाह बड़ा स्वाद बड़ा कि सवेरे सवेरे साढ़े घर आ गए ओदी अखा नहीं खुली नींद आई हुई है बेचारे ने तुसी सारे पुछोगे इन्नी ज्यादा एनर्जी कित्थों आई इन्नी ज्यादा एनर्जी साडे विच आई है मासी कोलों मासी नहीं है एदी मासी को आई एनर्जी मतलब एदी मासी ने साडे अंदर इन्नी ज्यादा कुट कुट के तुन तुन के दब दब के एनर्जी इन्नी ज्यादा सरप्रेस करती कि वी आर फ्लाइंग लाइक एरोप्लेन और हमने क्या क्या ठूसा सुबह सुबह कचौड़ियां खादियां कचौड़ी दे विच नहीं जलेबियां लग सी कचौड़ियां लग सी कचौड़ी दे विच जेड़ा मसाला सी ओ भी खादा अदरक वाली चाह भी रमप्रीत ने बनानी चाही पर मासी के नहीं बेटा बेटा चाय मैं बनाऊंगी पहली बार आयो अगली बार तो हमने कचौड़ी वाली चाय के साथ कचौड़ी खाई और जलेबियां बहुत कैंट सी जलेबियां उत्ते ना स्लाइस करके उन्होंने एलमंड्स पाए हुए सी उससे पहले बेर भी खाए थे ते बड़ा वधिया अच्छा रहा एंड आई थिंक ईशान कुछ कहना चाहेगा आपको चाय कैसी लगी अच्छी नहीं थी मासी थोनू व्लॉग टैग करांगे ते भाई साहब दी स्टेटमेंट उत्थे पिन करांगे मासी चाह चंगी नहीं सी मासी हाय दोस्तों हाय दोस्तों भैया भैया अब ये बोलना चाह रहे हैं कि सर मैं आता हूँ वीडियो में आप चलाओ गाड़ी आगे इतना क्रेज हो गया कहते गड्डी में लाना साइड दे मेरी वीडियो बनाओ पहले कह रहे भैया आपको हम फ्री में छोड़ देंगे आप बस मेरी वीडियो बना हाँ ठीक है डन फ्री बनाओ वीडियो डन बन चुके हैं लोहागढ़ रिजॉर्ट This property is so amazing. मतलब मैं बस अभी देख पाई हूँ ताकि अपनी आँखों से निहाल लूँ इस प्रॉपर्टी को और फिर आपको अपने कैमरे के थ्रू ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगी बट इट्स वेरी वेरी श्योर जो मैं आँखों से देख सकती हूँ ऑब्वियसली कैमरे से उतना कैप्चर नहीं हो पाता है गाइज यू ऑल्सो नो दिस बट या दिस इज़ अमेजिंग प्रॉपर्टी विच इज़ इन जयपुर
प्रॉपर्टी का नाम है लोहागढ़ फोर्ट, और मुझे बहुत ही अलग तरह का कमरा मिला है, पता नहीं चढ़ के आना पड़ेगा ये मुझे।